नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे टेंस, जिसके अंदर हमने अब तक देखा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के बारे में, उनके एडवर्बियल और की पॉइंट्स के बारे में, जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि दिए गए वाक्य में कौन सा टेंस हमें यूज करना है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कौन कौन से कीवर्ड दे रखे होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पर हमें कौन सा टेंस यूज करना है। तो जनरली हमें सेंस और फोर यानी कि वर्तमान समय दर्शाने वाले वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी वाक्य पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है, ठीक है, वो किसमें आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। जैसे सी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, और सुबह से क्या पढ़ रही है? नोवेल पढ़ रही। देखिए, मॉर्निंग यानी कि अभी वर्तमान वाला समय दे रखा है और सिंस का यूज यहाँ पे किया गया है, तो सिंस और फोर का यूज कर रखा है और वर्तमान का समय दे रखा है, तो वहां पर किसका यूज करना है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है आपको ध्यान में रखनी है वो आएगी हैज और हैव बीन। हैज लगेगी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करनी है। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे, और प्रेजेंट डिनोट करने वाला ये टाइम दे रखा है सिंस और फोर के बाद में। आगे देखिए, विक्रम हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन ओवर। फॉर एन ओवर, एक घंटे से वो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। क्लियर? आगे देखिए, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए, यदि कोई वाक्य सिंस और फोर प्लस टाइम के बाद समाप्त होता है तब क्या करना है हमें? माई मदर हैज बीन कुकिंग फॉर टू ओवर्स, यानी कि क्या हो, मेरी माता जी जो है वो क्या दो घंटे से खाना पका रही है। क्लियर? अगला है, अभिषेक हैज बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। अभिषेक जो है वो 9 बजे से पढ़ा रहा है। सिंस और फोर प्लस टाइम, उसके बाद आगे समय नहीं दे रखा है, तब भी हमें क्या यूज करना है वहां पे? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। क्लियर? आगे देखिए, ऐसा वाक्य जो पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर जारी रहा और जस्ट अभी समाप्त हुआ, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है। कब शुरू हुआ था? पास्ट में, ठीक है, कुछ देर वो जारी रहा और जस्ट अभी खत्म हुआ, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है। उदाहरण देखिए इसका, व्हाई हैव योर क्लोथ्स बीन सो वेट, यानी कि तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? ये कार्य क्योंकि बारिश में भीग के आया होगा तभी उसके कपड़े गीले हैं, लेकिन यानी कि वो काम कब हुआ था? पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव आगे भी कायम है, अभी भी है। तब इन दैट केस हम क्या करेंगे? वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस देख लीजिए। समरथ हैज बीन वाटरिंग द गार्डन, यानी कि गार्डन में क्या किया उसने? पानी दिया समरथ ने। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी गार्डन तो गीला है ना, उसका प्रभाव क्या है? अभी भी है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ था अभी जस्ट खत्म भी हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, तो वहां पर भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। जरूरी नहीं कि हर जगह सिंस और फोर आए। देखिए कुछ चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नोट जो है आप लिख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस या फोर का यूज इन घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है जो कभी घटित हुई थी लेकिन वर्तमान में जारी नहीं है। क्लियर? तो वहां पर क्या यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फोर का, ठीक है। और वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सिंस और फोर का यूज उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम से वर्तमान में भी जारी है, ठीक है। तो ये दोनों में कंपेरिजन आप समझ लीजिए अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट में कब सिंस और फोर का यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फोर का यूज कब करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।